समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। उत्तर प्रदेश विधान परिषद खंड शिक्षक का निर्वाचन जनपद के 25 बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जिसमें एडीएम एसएसपी लगातार मतदान स्थलों पर भ्रमणशील है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान आर्यकन्या महाविद्यालय में वोट डालकर निकल रहे शिक्षकों ने बताया कि उन्हें शिक्षक विधायक एवं पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मुद्दों को लेकर आज उन्होंने पहली बार मतदान किया है। मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। सोमवार को जनपद में हो रहे उत्तर प्रदेश विधान परिषद खंड शिक्षक का मतदान जनपद के 25 बूथों पर हो रहा है। झांसी प्रयागराज शिक्षक खंड के विधान परिषद चुनाव के लिए हो रहे मतदान पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस प्रशासनिक टीम के साथ लगातार मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और जिले में बनाए गए 25 मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 के तहत जनपद झांसी में 25 मतदेय स्थलों पर प्रातः 10 बजे तक कुल 4,639 मतदाताओं में से 412 मत डाले गए, जिनका मतदान प्रतिशत 8.88% रहा। दोपहर 12 बजे तक 1,573 मत डाले गए, जिनका मतदान प्रतिशत 33.91% रहा। और अपराह्न 2 बजे तक 2,889 मत डाले गए, जिनका मतदान प्रतिशत 62.28% रहा। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।